वेल इंडिया इज नाउ रिकवरिंग विद दिस नोवल कोरोना वायरस। वेल नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरबिडन फ्लाई हाई। वेल होपफुली आपने कोविड की वैक्सीन अभी ले ली होगी एंड ले लो अगर नहीं लिए, बिकॉज ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। वेल इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी भी काफ़ी सारे कोरोना केसेज हैं एंड इवन दो काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको RT-PCR रिपोर्ट्स चाहिए, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, चंद ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। ऐसे 5 स्टेट्स हैं, वही मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से स्टेट्स हैं। उसके बाद में मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर आपने वैक्सीन ले लिया एक डोज या फिर 2 डोज आपने वैक्सीन ले लिया तो उससे भी आप दिखा के ट्रैवल कर सकते हैं और किन किन स्टेट्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं। वेल उससे पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर सपोज़ आपने वैक्सीन ले ली है या तो 2 डोज की, अधिकतर जगह पे 2 डोज की वैक्सीन मांग रहे हैं, मतलब कि अगर आपने 2 डोज ले ली है वैक्सीन की और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका मांग रहे हैं। उसके बाद में अगर आपके पास नहीं है तो RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, जो कि ICMR लैब से ही चाहिए, जो कि 48 आवर्स या फिर कहीं पर 72 आवर्स प्रायर चाहिए। उसके बाद में आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, और एक बार अगर आप जिस भी मोड से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रेलवे या फिर फ्लाइट या फिर रोड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार जाने से पहले उस स्टेट्स की गाइडलाइन जरूर चेक कर लीजिए जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हैं, वरना आपको परेशानी हो सकती है बाद में। वेल लेट्स स्टार्ट विद दिस। वेल जो स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, वेल दिल्ली में ट्रैवल करने के लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही रेलवे पे, ना ही रोड पे, ना ही आप फ्लाइट से, लेकिन वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, इवन दो रैंडम सैंपल चेकअप्स हो रहे हैं जो लोग उन स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा कोरोना केसेस है। और रैंडम सैंपल चेकअप में ये है कि आपका सैंपल लेके आपको छोड़ देना है, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, उसके बाद में आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं अगर आप पाए जाते हैं तो आपको फिर वो क्वारंटाइन करने के लिए बोल देंगे। वैसे अगर आप हरियाणा के अंदर ट्रैवल करते हो तो अब आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको RT-PCR रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, इवन दो हिमाचल प्रदेश में लोग घूमने के लिए काफ़ी जाते हैं, बट स्टिल आई सजेस्ट टू पीपल और रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ना ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी काम से जा रहे हो देन इज गुड फॉर यू। वेल कर्नाटका के अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, बट कर्नाटका में एक बार ट्रैवल करने से पहले ये देख लीजिए कि वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह तो नहीं है, पता चला आप लॉकडाउन के टाइम पे पहुँच गए और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तेलंगाना के अंदर तो अभी एकदम भी लॉकडाउन नहीं है और वहाँ पे आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, इवन तो आप फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या फिर रोड से आ रहे हैं, मतलब कोई भी RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, जस्ट थर्मल स्क्रीनिंग, वो भी वहीं पर अराइवल्स पे होगी, डिपार्चर्स पे तो कुछ भी नहीं होगा। वेल गुजरात के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हो तो वडोदरा और राजकोट में अगर ट्रैवल करते हो तब आपको RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सूरत के अंदर ट्रैवल करते हो तब आपको RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत है, इवन दो 12 साल से छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, उनको एक्सटेंड करा गया है, मतलब उनको RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, दे डोंट हैव टू शो। वेल अगर आप तमिलनाडु के अंदर ट्रैवल करते हैं तब आपको RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोयम्बटूर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तब आपको RT-PCR रिपोर्ट्स की जरूरत है, वो भी 72 आवर्स प्रायर चलेगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अराइवल्स पे जाके भी अपना टेस्ट करा सकते हैं, यू कैन इजीली ट्रैवल। वेल अब मैं बताऊंगा कि जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो और आपने ऑलरेडी वैक्सीन ले ली और आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो 2 डोज का सर्टिफिकेट या फिर 1 डोज के सर्टिफिकेट से आप कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वेल अगर आपने 1 डोज भी लगवाई है वैक्सीन की तो आप पंजाब के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, लेकिन फर्स्ट डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद में आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अपने साथ लेके चलिए। इवन दो अगर आपके पास नहीं है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी, वो भी 72 आवर्स प्रायर वैलिड होगी। चंडीगढ़ के अंदर भी सेम रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, मतलब अगर आपने 1 डोज भी लगाई है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद में डोज लगवाने के या फिर RT-PCR रिपोर्ट्स चाहिए 72 आवर्स प्रायर। वेल अब मैं उन स्टेट्स की लिस्ट बताऊंगा जहां पे अगर आपने 2 डोज लगवाने के बाद में सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में आप ट्रैवल कर सकते हैं। वेल उड़ीसा के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उड़ीसा के अंदर अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाइए 2 डोज का, वरना तो 48 आवर्स के अंदर बनी हुई आपको RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, वो भी ICMR लैब से। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 2 डोज का सर्टिफिकेट लेके जाइए, वरना फिर 98 आवर्स प्रायर बनी हुई अपनी RT-PCR रिपोर्ट लेके जाइए। वेल थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट है, मतलब वहाँ पे 4 दिन, वहाँ पे 2 दिन का। वेल नागालैंड में या तो फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाइए या फिर RT-PCR रिपोर्ट लेके जाइए, वो भी 72 आवर्स प्रायर। वेल राजस्थान में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपने 2 डोज वैक्सीनेशन ले ली है, वो भी 28 दिन के बाद में, मतलब वैक्सीन लेने के 28 दिन के बाद में आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको RT-PCR रिपोर्ट चाहिए वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। वेल अगर आप मेघालय के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो मेघालय के अंदर सिर्फ कुछ ही स्टेट्स के लिए छूट है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेट से अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर अदर स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको RT-PCR की जरूरत नहीं है, आप 2 डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वेल होपफुली इस वीडियो से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं चाहिए और कहाँ पे आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टा पे,
and I will be pleased to help you guys. And thank you so much, guys, for meeting us after that.